स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सोल्यूशन। माई नेम इज स्नेहा गिरी। जैसे कि डब्ल्यू बी क्लास 10th का हमने चैप्टर 23 स्टार्ट किया था और लगभग सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 23.3 हम कर रहे थे, जिसका लास्ट दो क्वेश्चन ही रह गया था, बाकी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं 7 और 8 कंप्लीट करूंगी और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 7 टू क्लास 10 तक का पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश एंड आल्सो बंगाली मीडियम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, होप आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां से लेते हैं हम, गिवेन है ये, गिवेन एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था वैसे ही सेम करना है। ए साइन थीटा इसको मैं रिवर्स करके लिख देती हूँ, इज इक्वल टू एक्स, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। ठीक है, उसी तरह सेम ये बार इससे भी करेंगे सेम प्रोसेस। वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी टेन थीटा, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वाई बाई बी। ठीक है, अब साइन थीटा टेन थीटा हमें मिल गया, बट देखो यहाँ पे प्रूफ में क्या है, ए बाई एक्स होना चाहिए, है ना, ए बाई एक्स के टर्म में होना चाहिए और यहाँ क्या है, एक्स बाई ए के टर्म में हो रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम पलट देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन बाई कर देंगे, तो वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बाई एक्स, इसको हमने पलट दिया तो ए ऊपर चला गया, एक्स नीचे, और यहाँ पे वन ऊपर चला गया, साइन नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वन छुपा होता है, हमेशा वन छुपा होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, वन बाई टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई वाई। अब यहाँ देखो आप, वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, एक्चुअली में कॉसेक थीटा होता है ना, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाई एक्स। यहाँ पे भी वन बाई टेन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई वाई। अब हम लेते हैं एलएचएस, एलएचएस में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, यही है। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस बी बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए बाई एक्स हमारे पास क्या है, कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे कॉसेक थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन नहीं होगा, इक्वल का साइन होगा, जब भी इक्वालिटी होता है तभी इम्प्लाइज देते हैं। माइनस बी बाई वाई क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, और वो आरएचएस के बराबर है, आरएचएस में भी हमारा वन है, दैट इज इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि आरएचएस में भी हमारा क्या है, आरएचएस में भी वन है, इसीलिए। ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह का है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट, तो हमें सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो यहाँ पे यही से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, जो गिवेन है, वी हैव, हमारे पास है क्या, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज वी कैन राइट हियर, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये इक्वल साइन के उधर गया तो इसमें साइन चेंज हो गया। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, एज वी नो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब यहां से हम अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर 1। ओके, नाउ फ्रॉम एलएचएस हम ले लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, एंड आरएचएस में क्या है, 1। ओके, अब यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, ठीक है, प्लस
स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन थीटा है, तो कॉस टू द पावर 4 थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, का स्क्वायर। या फिर मैं इसे फिर से लिख देती हूँ, इसको फिर से सजा कर लिख देती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करना है हमें, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 से साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है साइन थीटा, ऊपर में स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू क्या गिवन दिया हुआ है, फ्रॉम क्वेश्चन 1, दैट इज 1, एंड हेंस एल एच एस इक्वल्स आर एच एस, एंड हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसका वैल्यू हमने 1 प्रूव कर दिया, इसलिए ये प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट होता है आज की इस वीडियो में, और ये इसके साथ ही 23 नंबर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज भी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। होप आप लोगों को सारा पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और मार्क्स रिक्वायरिंग है, तो आप इसको स्कीप ना कीजिए, अच्छे से देखिए, एग्जाम में पास कीजिए, और प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।